हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गुंजन तरियाल एंड आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज की वीडियो में मैं कम बोलने वाली हूं क्योंकि आज मेरे साथ में है नुमान जो कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और उन्होंने यहां पे कार ली है। उनका कार को लेके क्या एक्सपीरियंस रहा है, कितने में गाड़ी ली, उनका कितना खर्चा आता है और ड्राइविंग को लेके क्या एक्सपीरियंस है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो जस्ट लेट्स गो। तो ये गाड़ी ली है नुमान ने कौन सी गाड़ी है? ये है यारिस, टोयोटा यारिस 2010 मॉडल है ये। और ये आपने कब ली? ये मैंने ली है अप्रैल 2023 में। अच्छा, अभी आपको यहाँ पे कितने टाइम हो गया? मुझे यहाँ पे 8 मंथ्स हो गए। आई केम इन जनवरी। यू केम इन जनवरी। और ये गाड़ी आपने कितने की ली है? मतलब ये मैंने ली थी अराउंड 2000 पाउंड। जी 2000 ऑटोमेटिक। अच्छा, ऑटोमेटिक है। हाँ, अच्छा। और मतलब ऑटोमेटिक 2000 तक में आ जाती है? अच्छी गाड़ी 2000-1800 तक आ जाती है, 1700 तक भी आ जाती है, पर उसमें कुछ मसला होता है। सी गाड़ी ना, मतलब ऑटोमेटेड भी हो, फिर माइल्स का भी है, तो गाड़ी की प्राइस मोस्टली बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो वो सिर्फ आप ऑटोमेटिक के हिसाब से नहीं बता सकते। सो ऑटोमेटिक है, यहाँ पे सीन ये होता है कि जो मैनुअल गाड़ी है, ऑटोमेटिक जो गाड़ी होगी वो एक डबल होगी उसकी प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैनुअल 1000 की है तो ऑटोमेटेड वही गाड़ी, सेम मॉडल, हर चीज़, अगर वो ऑटोमेटिक है तो वो 2000। अच्छा, ओके। दैट्स द केस इन यूके। अच्छा, तो आपने ये कैसे सर्च की? एक्चुअली ये जो गाड़ी है ना, मैं थोड़ा इस चीज़ में बड़ा लकी रहा हूँ कि मेरा कज़न है, उसने मुझे दिलवाई। एक्चुअली उसकी जो वाइफ थी वो पहले ये चलाती थी गाड़ी। ओके। तो मैंने उसी से ली है डायरेक्ट ना, तो मुझे इतनी कोई तकलीफ नहीं हुई गाड़ी ढूंढने में। बट देयर आर सम मेथड्स के अगर आप फाइंड कर सकते हैं किस तरह आपको गाड़ी अगर कोई लेनी है तो आप किस तरह ढूंढ सकते हैं यहाँ पे गाड़ी। ओके, मतलब किस तरीके से ढूंढ सकते हैं गाड़ी? देयर आर डिफरेंट मेथड्स। एक होती है आपके पास ऑटो ट्रेडर्स। ऑटो ट्रेडर्स ये क्या है? एक बेसिकली इट्स एन ऐप, वो ऐप है। उसमें ये होता है कि आप ऐप डाउनलोड करो, उस पर पूरे यूके में उन्होंने गाड़ियों की एड वगैरह लगाई होती है। इट्स लाइक इन ओलेक्स, ठीक है। तो उस पर आप गाड़ियाँ देखो, सर्च करते हो, हर एक चीज़ लिखी होती है, कितने माइल्स चली हुई है, उसका इंजन कैसा है, गाड़ी कौन सी है, मॉडल कौन सा है, एवरीथिंग। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा, आप फेसबुक मार्केट प्लेस से ढूंढते हो, तो वहाँ पर थोड़ा रिस्क है कि वहाँ पर मोस्टली स्कैम्स भी होते हैं। सो उस पर प्राइस वगैरह भी थोड़ी रिड्यूस होती है, लोग चीप में भी बेचते हैं। बट आई विल रिकमेंड कि आप ऑटो ट्रेडर्स पे जाओ। तीसरा होता है डीलर्स, आप डायरेक्ट डीलर से बात करो कि भाई डीलर हैं जहाँ पे लग खुले हुए हैं, कि भाई उनके पास जाओ, उनसे पूछो कि कौन सी आपको गाड़ी चाहिए, वो आपको सामने दिखाएंगे हर चीज़। सो ये मेथड्स हैं बेसिकली। और लास्ट जो मोस्टली जो चलता है पूरी दुनिया में, रेफर अ फ्रेंड। दोस्तों से पूछो, वो तुम्हें बताएंगे इस तरह से। सो मेजरली जो मोस्टली यहाँ पे यूके में ऑटो ट्रेडर्स ज़्यादा चलता है, क्योंकि यहाँ पे लोग वहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। ओके, तो क्या इसमें मतलब डिफ़िकल्टी आती है सर्च करने में, गाड़ी मिलने में, सही गाड़ी मिलने में? ऑब्वियसली, मतलब इट्स नॉट ईजी ना कि ये कोई आप कोई कपड़े नहीं खरीद रहे, या कोई आप मोबाइल फ़ोन, या कोई सस्ता चीज़ नहीं है ना। मतलब यू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू फाइंड अ गुड कार फॉर यू, क्योंकि मेरे हिसाब से गाड़ी यूके में माइल्स पे भी डिपेंड करती है कि अगर चलो आपको गाड़ी मिल गई पर वो ज़्यादा माइल्स चली हुई है तो आपके इंजन को मसला है। तो इसीलिए परफेक्ट गाड़ी इज़ लाइक कि कोई परफेक्ट लड़की फाइंड करना, समझ गए आप? तो बहुत मुश्किल है। तो बट ये है कि नामुमकिन नहीं है अगर आप थोड़ा टाइम दो, क्योंकि यू आर स्पेंडिंग मनी, आप जारी बात अच्छे पैसे खर्च कर रहे हो गाड़ी के ऊपर। तो आप चाहोगे कि मैं अच्छी गाड़ी लूँ जो मुझे थोड़ा एटलीस्ट 3-4 साल मेरे निकाल दे। इसका मतलब खर्चा कितना आता है, अगर मैं पर मंथ का खर्चा बोलूँ, कितना एक्सपेंडिचर होता है? देखें, इसमें मोस्टली जो खर्चा है ना वो है, मैं बोलूँगा दो चीज़ों का, तो मेन है एक इंश्योरेंस, एक आपका फ्यूल। फ्यूल तो बेसिकली होता रहता है। फ्यूल मेरा जो गाड़ी का है वो अब डिपेंड करता है मैनुअल और ऑटो पे, और गाड़ी के इंजन पे भी, उसके इंजन कितना सीसी का है। मतलब सीसी मींस के उसकी इंजन कैपेसिटी कितनी है, 1300 सीसी है, 1500 सीसी है, या उससे ज़्यादा भी है। तो मेरी जो गाड़ी है वो है 1.5 मीन 1500 सीसी। तो उसका जो फ्यूल है, मेरा जो खर्चा आता है पर मंथ, वो 100 पाउंड्स तक आ जाता है। ठीक है, अगर मैं डेली ट्रैवल कर रहा हूँ, फ्रिक्वेंट ट्रैवल कर रहा हूँ ना, क्योंकि मेरे डेली का जो माइल्स हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैं 20 माइल्स तो डेली ट्रैवल कर रहा हूँ। तो ये खर्चा है। दूसरा होता है इंश्योरेंस का खर्चा। अब इंश्योरेंस क्या है कि यहाँ पे इंश्योरेंस आप परचेज करते हो, आपको लाजमी है, यूके का ये रूल है, विदाउट इंश्योरेंस यू कैन नॉट ड्राइव।
तो आपको इंश्योरेंस तो करवानी है, और इंश्योरेंस डिपेंड करती है आपके एड्रेस के ऊपर भी कि आपका एड्रेस कौन सा है। तो उसका जो मैं पे करता हूँ वो करता हूँ मैं 100 pounds, 103 pounds पर मंथ। तो कई या किसी किसी की 150 भी होती है, किसी की 200 भी होती है, किसी की बिलो 100 भी होती है। ये एंड यू इट आल्सो डिपेंड्स ऑन योर लाइसेंस कि आपके पास लाइसेंस कौन सा है। मेरे पास इंटरनेशनल लाइसेंस है तो उस पर मेरी 100 आ रही है, मे बी अगर मेरे पास यूके लाइसेंस हो जाएगा तो उस पर मेरी कम भी हो सकती है। सो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिस पे आपकी इंश्योरेंस डिपेंड करती है। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है कि मतलब जो लाइसेंस यहाँ पे होता है ना, यहाँ का लाइसेंस होता है वो थोड़ा सा मतलब यहीं का अगर हमने फुल लाइसेंस दे तो इट इज़ लिटिल चीपर। या इट इज़ चीपर बिकॉज यहाँ पे फायदा ये कि नाउ दे नो कि आप यूके के परमानेंट ड्राइवर बन गए हो। इंटरनेशनल में उनको थोड़ा डाउट होता है तो इसलिए इंश्योरेंस बड़ी हुई होती है आपकी। और जगह का भी बड़ा इम्पैक्ट होता है आपका। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक जगह पे रह रहा हूँ उधर मेरी इंश्योरेंस ज़्यादा आ रही है ना, तो मैं क्या करूँगा, ट्राई करूँगा कि मैं किसी अपने रिलेटिव या अपने दोस्त की जगह लगा लूँ अपने इंश्योरेंस पे जहाँ पे मेरी इंश्योरेंस कम आती है। क्योंकि वहाँ पे ये सीन होता है कि पार्किंग स्पेस होती है, ड्राइववे होता है, तो आपकी इंश्योरेंस कम आ जाती है। अच्छा, हाँ, तो ये सीन होता है। एंड तीसरा जो खर्चा है वो भी मैं आपको बता दूं, सॉरी, कि वो होता है रोड टैक्स का। वो भी आपको लाजमी देना पड़ता है यूके में रोड टैक्स। अब ये भी डिपेंड करता है सिटी टू सिटी, कौन से सिटी में आप रह रहे हो। अब लंदन, अगर आप लंदन में रह रहे हो मेन सेंट्रल में, तो वहाँ के खर्चे थोड़े अलग हैं, वहाँ थोड़े ज़्यादा हैं। वहाँ पे रोड टैक्स है, पार्किंग टैक्स है, वहाँ पे इमिशन जोन टैक्स है, डिफरेंट टैक्स है। बट इन ग्लोस्टर यहाँ पे सिर्फ रोड टैक्स है और इंश्योरेंस जो मेरा खर्चा है और फ्यूल। तो मतलब इन टोटल कितना खर्चा आता है आपका? 300 pounds अराउंड, मैक्सिमम 300 pounds तो मेरा कहीं नहीं ज्यादा गाड़ी पे लग जाता है। माय गॉड, आई नो इट्स टू मच, आई नो इट्स टू मच, बट वर्थ है। मेरे लिए तो वर्थ है। ठीक है, मतलब इतना निकल जाता है, इतना एक्सपेंडिचर निकल जाता है। हाँ, इतना निकल जाता है। ठीक है, मतलब जिस अकॉर्डिंग आपका आप खर्चा कर रहे हो उस अकॉर्डिंग आपकी सैलरी भी एक तरीके से हो जाती है। ऑब्वियसली। ठीक है, तभी तो मैं कर रहा हूँ। तो आपकी इसकी जो कार की लाइफ होती है यूके में, कार की क्या लाइफ होती है? जैसे इंडिया में क्या होता है कि जो पेट्रोल की होती है वो 15 साल की होती है, डीजल 10 इयर्स का होता है, तो मतलब इतनी उनकी लाइफ होती है। तो यहाँ पे क्या लाइफ होती है? यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, एवरेज लाइफ जो है ना 9 to 10 years। अच्छा। यहाँ पे एवरेज लाइफ जो होती है ना गाड़ी की, मोस्टली जो इन्होंने, मैंने खुद मुझे नहीं पता था, मैंने खुद सर्च की थी कि एवरेज लाइफ क्या है यूके में, तो गूगल चाचा टोल्ड मी इट्स 9 to 10 years, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। बाकी लेकिन मैंने यहाँ देखा कि लोग 20-20 साल पुरानी गाड़ी चला रहे हैं। 20, मैंने 30 साल पुरानी भी गाड़ी देखी है। वो एक्चुअली यहाँ पे मैं आपको चीज़ बताऊँ ना, यहाँ पे गाड़ी चलाने का फ़ायदा क्या है कि अगर आप पाकिस्तान इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे रोड्स वगैरह थोड़े ख़राब, यहाँ पे रोड्स बहुत अच्छे हैं। मतलब और यहाँ पे एग्जॉस्ट इमिशन वाला एक कॉन्सेप्ट है। एंड वॉट इज़ एग्जॉस्ट इमिशन? एग्जॉस्ट इमिशन ये होता है कि आपको ना गाड़ी से कोई भी आपका कोई जो धुआँ पोल्यूशन वगैरह वो नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इलीगल है गाड़ी चलाना अगर आपकी गाड़ी पोल्यूटेड है, इफ इट इमिटिंग योर लाइक पोल्यूशन और एनी काइंड ऑफ गैस। तो एग्जॉस्ट इमिशन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हर गाड़ी में बिल्ट इन है। तो एक तो उसकी वजह से इको फ्रेंडली गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, रोड्स बड़े अच्छे हैं, स्मूथ हैं, तो दैट्स व्हाई उनकी लाइफ, जो गाड़ियों की लाइफ है, थोड़ी लॉन्गर है। तो मतलब इसमें आप मतलब एक चीज और मुझे आपने बताई थी बात पहले, वो था कुछ MOT से लेके। या MOT इज लाइक गाड़ी वालों के लिए बड़ा एक काइंड ऑफ ना चैलेंज होता है MOT। अगर आपकी MOT ये होता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है कि ये इनका रूल हुआ था 1916 में निकाला था कि इन्होंने के भाई के यूके में ना हर गाड़ियाँ चेक होंगी हर साल, एक्सेप्ट नई गाड़ी आप ले रहे हो ना, वो 3 साल तक आप MOT चेक नहीं कराओ, कोई मसला नहीं, आफ्टर 3 years वो चेक होगी। बट इफ़ यू आर बाइंग अ यूज्ड कार, जिसे मैंने खरीदी है ये वाली, तो मेरी हर साल MOT ड्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने कल ही MOT करवाई है इस गाड़ी की, क्योंकि मेरी एक्सपायर होने वाली थी 1 September को, तो उससे पहले मुझे लाजमी है MOT करवाना। MOT का ये मकसद था कि उस पर आपकी गाड़ी सारी चेक होती है, उसकी सेफ्टी चेक होती है, उसकी एग्जॉस्ट इमिशन चेक होती है, उसकी लाइक रोड वर्दीनेस चेक होती है कि वो सही चल रही है रोड पे, उसकी सेफ्टी सही है, ब्रेक सही है, हेडलाइट्स, एवरीथिंग अबाउट योर कार। क्योंकि अगर वो सही नहीं है, कोई भी मेजर प्रॉब्लम निकली, तो अब वो आपकी MOT फेल कर देगा। और इसका मतलब क्या होता है कि यू कैन नॉट ड्राइव अंटिल यू पास योर MOT। तो अगर आपने चलाई विदाउट योर MOT पास, तो आपको अप टू 1,000 pounds तक फाइन लग सकता है। तो नुमान, मतलब आपका यहाँ पे गाड़ी को लेके क्या एक्सपीरियंस है, ड्राइविंग को लेके क्या एक्सपीरियंस है, कि मतलब आपके होम कंट्री से यहाँ पर बेटर है, या फिर यहाँ पे किस तरीके से एक डिफरेंस आता है? तो वो
गुंजन बेसिकली इट्स वेरी फ्रेंडली यहाँ पे. इट्स नॉट डेट मच डिफिकल्ट, बड़े ईजी है. आपको पता है आप कौन सी लेन में, रोड्स बड़े अच्छे बने हुए हैं यहाँ पे, बड़े स्मूथ हैं. हर चीज़ का एक लॉ है, हर चीज़ का एक रूल है. आपको पता है कि अगर आपको लेफ्ट जाना है तो उसकी अलग लेन बनी हुई है, अगर राइट जाना है तो आपको किस जगह खड़ा होना है. और ट्रैफिक सिग्नल्स पे आपको अगर जो फॉलो करना है आपको लाजमी एवरी जगह एवरी थिंग इज लाइक भले रूल्स क्वाइट क्लियर मतलब, बट यू हैव टू बी अटेंटिव. आपको अटेंटिव होना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आप एक मिस्टेक कर दी तो आप उसको रीडू करो. रीडू नहीं कर सकते, फिर आपको आगे जाना पड़ेगा, फिर यू टर्न लेना पड़ेगा, फिर आप कर सकते हो. तो बहुत रूल्स हैं और बड़े स्ट्रिक्टली यहाँ के लोग फॉलो करते हैं और आपको भी फॉलो करना है. ठीक है. अच्छा, अगर अगर जैसे किसी की ड्राइविंग होती है, मैंने ऐसा भी सुना है किसी की ड्राइविंग पे कुछ फॉल्ट्स हो जाते हैं तो फिर उसके बाद में उनकी ड्राइविंग का लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, कुछ इस तरीके का. एक्चुअली यहाँ पे सीन होता है पॉइंट्स का. पॉइंट्स लगते हैं आपको लाइसेंस के ऊपर, हर एक चीज़ के पॉइंट्स हैं. अगर इफ़ यू हैव अ यूके लाइसेंस तो आपके पास टोटल मैक्सिमम पॉइंट्स होते हैं 11 या 12, आई एम नॉट श्योर, ऐसे ही होते हैं. अगर आपके 12 पॉइंट्स पूरे हो गए तो आप सस्पेंडेड हो जाओगे 3 साल के लिए. अच्छा, यू कैन नॉट ड्राइव. वाओ. तो उसको फिर 3 साल बाद आपको फिर वो पॉइंट्स कम होते जाते हैं, हर साल 3 पॉइंट्स कम होंगे इस तरह. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपको पॉइंट्स नहीं लगें, क्योंकि हर एक चीज़ को बड़ा कॉशियसली चलाना है, देख के चलाना है. राउंड अबाउट्स जो दुनिया में सबसे ज़्यादा राउंड अबाउट का जो सेकेंड नंबर पे पूरे यूके में है, राउंड अबाउट पूरी दुनिया में. सो राउंड अबाउट्स पे ना आपको बड़ा अटेंटिव होना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी यहाँ पे सीन हो जाता है कि आपको कौन से एग्जिट से निकलना है, तो उसके लिए आपको कौन सी लेन पे होना है. अगर गलती की या तो हॉर्न खाओगे या तो गाड़ी खाओगे, तो ये सीन होता है. तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव. तो नुमान, आपके पास ना जैसे इंटरनेशनल लाइसेंस है, आप इंटरनेशनल लाइसेंस को कन्वर्ट कराते हैं और उसको कन्वर्ट करा के यहाँ पे मतलब ड्राइव कर सकते हो. तो मतलब डू यू थिंक कि कंपैरेटिवली आप जब यूके का अपना लाइसेंस बनवाते हो तो ये कंपैरेटिवली आपके थोड़ा सा आसान पड़ता है यूके का लाइसेंस लेना, या फिर कुछ उसमें फ़र्क पड़ता है? फ्रेंकली स्पीकिंग थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे लेना लाइसेंस एज कम्पेयर टू माई होम कंट्री. यहाँ पे मैं आपको बताऊँ ना, थ्योरी टेस्ट होता है पहले. सबसे पहले आप जब ट्रांसफ़र करवा रहे हो, आपको 1 साल का होता है, आप इंटरनेशनल चला सकते हो 1 साल पे. तो इससे ज़्यादा अच्छा ये है कि आप उसी विद इन 1 ईयर ना अपनी थ्योरी टेस्ट की तैयारी करो. सबसे पहले तो आप प्रोविजनल लाइसेंस लेते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, वो इजी होता है, वो अप्लाई करते हैं, वो आप अप्लाई करते हो. ठीक है, वो जब आएगा यू कैन अप्लाई फॉर द थ्योरी टेस्ट. थ्योरी टेस्ट में आपके 2 पार्ट होते हैं, एक थ्योरी होता है और दूसरा होता है हज़ार्ड परसेप्शन. अब हज़ार्ड परसेप्शन में क्या है कि वो आप डेली देखते भी हो जब यू आर ड्राइविंग, कि आपको पता चल जाएगा कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे आप हज़ार्ड आ गया तो उसको आपको किस तरह बचना है, व्हाट यू हैव टू एक्ट, हाउ डू यू हैव टू एक्ट, किस तरह तुम्हें एक्ट करना है, कौन सा एक्ट करना है, क्या तुम्हारी भी जान बच जाए और अगले की भी जान बच जाए. यहाँ पे यू डोंट हैव टू बी सेल्फिश व्हेन यू आर ड्राइविंग, यू हैव टू टेक केयर ऑफ अदर ड्राइवर्स एज वेल. दिस इज द मेन थिंग इन यूके. ओके, तो मतलब आपको लगता है कि आपको कुछ बेनिफिट है, मतलब गाड़ी चलाना आ गया तो फिर आपके लिए वो ड्राइविंग टेस्ट करना थोड़ा सा इजी आता है? यहाँ पे बहुत बड़ा एडवांटेज है, बिकॉज आप अवेयर हो जाते हो रोड्स से. अगर आप जब ड्राइविंग प्रैक्टिकल दोगे ना, आपके साथ जो बैठा होगा इंस्ट्रक्टर, वो जो आपको सुपरवाइज कर रहा होगा, वो आपको कहीं भी ले जाएगा, एटलीस्ट यू हैव आइडिया कि मुझे इस रोड पे कितनी स्पीड है. क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि साइडों में लिखा होता है, उनके जो साइंस बनी होती है कि अभी 30 जोन आ गया, अभी 50 जोन आ गया. तो आप इतने अवेयर हो चुके होते हो कि आप रेट वो रीड करते हो, आपको पता चल गया कि भाई अगर इस विद इन सिटी में आ रहा हूँ, अगर मेरे स्कूल आ गया फॉर एग्जांपल, तो उधर 20 की स्पीड हो जाती है स्कूल जोन में. अगर थोड़ा मैं आ गया रेजिडेंशियल एरिया में आ गए तो आपको 30 की स्पीड हो गई. और आपको पता है कि अगर पुलिस की गाड़ी या एम्बुलेंस या फायर, अगर उनकी बीकन लाइट फ्लैश लाइट हो रही है, तो यू हैव टू गिव वे टू देम. आपको इवन व्हेन यू आर ऑन क्या बोलते हैं, आपको गलत लेन पे खड़े हो, कहीं पे भी खड़े हो, इवन आपको गलत लेन में जाना पड़े, इवन आपको फुटपाथ पे गाड़ी चलानी पड़े, यू कैन गो, बट उनको गिव वे देना है अगर उनकी लाइट जल रही है. ओके ओके, मतलब थोड़ा सा लेकिन एडवांटेज हो जाता है कि क्योंकि आपने ऑलरेडी मतलब ड्राइव कर लिया, तो पता चल गया कि क्या होता है, कि क्या किस तरह जाना है, किस तरह रिवर्स करनी है, किस तरह मुझे पार्क करनी है गाड़ी. तो ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें नुमान ने सारी की सारी डिटेल्स बताई हैं ड्राइविंग को लेके. आई होप जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं और ड्राइविंग करना चाहते हैं, अपने लाइसेंस को कन्वर्ट कराना चाहते हैं या फिर यूके का ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो आई थिंक ये नॉलेज आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी. सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.